तो रहनुमा मुस्लिम लीग नून हनीफ अब्बासी बदस्तूर शेख जैद अस्पताल के सीसीयू में जेरे इलाज हैं। बिलाल चौधरी से बात करेंगे। बिलाल, उनकी हालत कैसी है? जी बिल्कुल, हनीफ अब्बासी शेख जैद हॉस्पिटल के सीसीयू में जेरे इलाज है। हनीफ अब्बासी दिल, गुर्दे और मसाने के इमराज में मुबतला है। हनीफ अब्बासी को शेख जैद हॉस्पिटल में मुंतकिल करने का मकसद यही था कि उनके तीन इमराज का जो इलाज है वो हो सके। इससे पहले हनीफ अब्बासी को पीआईसी में एक स्टंट भी डाला गया था। हनीफ अब्बासी को शेख जैद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने का ताहाल कोई फैसला नहीं हुआ। शेख जैद की जानी पैरामेडिकल की जानी से हनीफ अब्बासी को फूलों का गुलदस्ता भी दिया गया और नेक पाशाद का भी इजहार किया गया। इस मौके पर जैद उसमें गुफ्तगु करते हुए हनीफ अब्बासी का कहना था कि शेख रशीद को जितवाने के लिए मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, ज्यादती का लफ्ज भी मेरे लिए छोटा है, मुझे बहुत दुख दिया गया। उनका मजीद ये कहना था कि जहनी सुकून महसूस कर रहा हूँ और तबीयत में बेहतरी आ रही है, जल्द ही डिस्चार्ज कर दिया जाऊंगा और इसके बाद जो तबीयत है वो बेहतर होगी। जी आपको बताएं कि शेख रशीद को जितवाने के लिए सियासी इंतकाम का निशाना भी बनाया गया। बिलाल, उन्होंने मजीद क्या कहा? जी बिल्कुल, आज जब गैर उसमें गुफ्तगू हुई थी और उस मौके पर हनीफ अब्बासी खुश भी थे लेकिन थोड़े से रंजीदा भी थे। उनकी जानिब से कहा गया था कि तकरीबन 9 माह से जैद का अर्सा जो है उनको कैंप जेल और फिर अडियाला जेल में रखा गया, जिससे उनकी हालत तो जो है वो खराब हुई है। इस मौके पर जो उनकी जानिब से बहुत दुख का भी इजहार किया गया लेकिन एक मौके पर उन्होंने खुशी का भी इजहार किया कि चलो बेहतर है, मेरे लिए जो है वो आसानी पैदा हुई और लाहौर हाईकोर्ट में मुझ पर रहम आ गया, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। लेकिन उनकी जानिब से कहा गया था ये सारा मेरे साथ सियासी इंतकाम लिया गया था और शेख रशीद को मकसद ये था कि शेख रशीद को हर हाल में